हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट सिक्स ऑफ घटना चक्र। घटना चक्र में आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखने वाले हैं कि भारत के बाकी देशों के साथ क्या संबंध रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत और जापान। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए। यह उनकी यात्रा ऑफिशियल नहीं थी, कैसी थी? अनऑफिशियल थी। ये जो भारत और जापान की वार्षिक मीटिंग होती है, वार्षिक समिट होता है, ये उसका पार्ट नहीं था। तो वर्ष 2023 में भारत G20 का अध्यक्ष है और जापान वहीं G7 का अध्यक्ष है। तो G7 की मीटिंग कहाँ होगी और G20 की मीटिंग कहाँ होगी? G20 की मीटिंग 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होने वाली है और G7 की जो शिखर सम्मेलन है वो 19 से 21 मई के बीच 2023 को हिरोशिमा जापान में होगी। और भारत और जापान ने 2023 को क्या है, भारत जापान पर्यटन वर्ष मनाने के रूप में घोषणा की है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कंट्री है भारत और ऑस्ट्रेलिया। 8 से 11 मार्च के बीच में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज भारत की यात्रा पर रहे और ये उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद पहली बार उनकी भारत की ये ऑफिशियल यात्रा थी। एल्बनीज है, एंथनी एल्बनीज, ये होली के दिन भारत में आए और ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 4th टेस्ट मैच था, उसको देखने ये स्टेडियम में भी गए। और स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि कहाँ पर है, अहमदाबाद में, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये आप पॉइंट को नोट कर सकते हो। तो क्या क्या दोनों के बीच में हुआ? प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन था यह, और क्या क्या दस्तावेजों पर साइन हुए, 4 दस्तावेजों पर साइन हुए, वो क्या क्या थे? ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, खेलों में सहयोग पर समझौता एंड नवाचार में सहयोग बढ़ाने तो भारत के अटल इनोवेशन मिशन, जो भारत का अटल इनोवेशन मिशन है, किस चीज़ से रिलेटेड है, वो इनोवेशन से। और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय मंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIRO के बीच में क्या हुआ, यहाँ पर इनको बढ़ावा देने के लिए साइन हुआ। एंड दो कार्यबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो कार्यबल की स्थापना की गई, सोलर टास्क फोर्स और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि सोलर टास्क फोर्स किन दो देशों के बीच में साइन हुआ, या हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स किन दो देशों के बीच में साइन हुआ, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखना है। तो टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड भी साइन हुआ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डिकिन विश्वविद्यालय जो है वो भारत में अपनी शाखा खोलेगा और ये एक ऐसा पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा जो जिसकी शाखा कहाँ, भारत में स्थापित की जाएगी। और भारत में किस जगह पर? गांधीनगर गुजरात में अपनी पहली शाखा खोलेगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिकिन विश्वविद्यालय। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भी काफी समझौते हुए, ECTA, तो ECTA के बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो। अब ये इतना डीप में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या हुआ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ECTA में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भारत के छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को क्या है, 4 वर्ष तक की अवधि का पढ़ाई उपरांत कार्य वीज़ा देगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट कंट्री है भूटान। भारत और भूटान के बीच में क्या संबंध है? भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये भारत की यात्रा पर आए और यहाँ पर क्या है, जो मांगदेछु जल विद्युत परियोजना है उसको क्या है भूटान को सौंप दिया गया है। और भी चीज़ें क्या है, परियोजनाएं भारत और भूटान के सहयोग से विकसित हुई हैं, वो कौन सी हैं? पुनांत सांगछू, ये भी कहाँ पर है, भूटान में है। इसके बाद पुनात सांगछू टू एंड खोलोंगछू चूखा, ये नाम इतना आएंगे नहीं, मांगदेछु इम्पोर्टेंट है। और भारत और भूटान के बीच में क्या है, सीमा पारीय रेल लिंक, ये इम्पोर्टेंट है, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है।
ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा? आसाम को ये गेलुफु भूटान से जोड़ेगा, और ये भारत और भूटान के बीच में पहला रेल लिंक होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहला रेल लिंक किसके बीच में, मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा, आसाम से गोलेफू भूटान। नेक्स्ट कंट्री है इटली। भारत और इटली, इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, वो भारत की यात्रा पर आई, उनके साथ में उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी और बाकी मेंबर्स भी आए, और 5 साल के बाद इटली की प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की ये द्विपक्षीय यात्रा थी। इससे पूर्व इटली की जो तत्कालीन 2018 में जियाग सेपे कांटे, ये आए थे, और अब कौन आई है? जॉर्जिया मेलोनी। बस नाम याद रखना है। इन्होंने ये क्या है, 8वां जो रायसेना संवाद था उसकी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट कंट्री है जर्मनी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज भारत की राजकीय यात्रा पर आए, ये नाम याद रखना है चांसलर का, जो चांसलर है ओलाफ सोल्ज। इससे पहले कौन थी? मार्केल थी, मार्केल, ये नाम याद रखना। किसके? जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल। तो अब कौन है? ओलाफ सोल्ज। तो ये 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचे और 26 फरवरी को इन्होंने बेंगलुरु का दौरा किया। ये कोई चीज़ें याद रखने लायक नहीं है कि किस डेट को आए और क्या क्या हुआ, सिर्फ नाम याद रखना है जर्मनी के चांसलर कौन? ओलाफ सोल्ज। देन इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है मिस्र। इजिप्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट, तो भारत और इजिप्ट के क्या संबंध रहे हैं? जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये क्या है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या है, मुख्य अतिथि रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस पर, तो कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि राष्ट्रपति हैं कहाँ के? मिस्र के। और ये 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुए, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस किस चीज़ में हुआ, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, कल्चर, युवा मामलों में सहयोग या ब्रॉडकास्टिंग, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये है इम्पोर्टेंट कि भारत को क्या है आमंत्रित किया है, जो मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास और ब्राइट स्टार अभ्यास है उनमें भाग लेने के लिए, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कंट्री है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश क्या संबंध है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा इन्होंने संपन्न की है। शेख हसीना जी भारत आई, और क्या क्या हुआ, ये जो अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर गई, और उसके बीच इन्होंने क्या है, जो नदी बहती है भारत और बांग्लादेश में, नदी कुशियारा, इसके पानी की निकासी पर भी समझौता हुआ। कुशियारा नदी क्या है? बराक नदी की शाखा है जो आसाम से बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। उसके बाद क्या है, दोनों नेताओं के बीच में मैत्री ऊर्जा संयंत्र, मैत्री पावर प्लांट की प्रथम इकाई का अनावरण किया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या हुआ, रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया दोनों के द्वारा। रूपसा रेल पुल ये बांग्लादेश के मोगलापतन को खुलना से जोड़ता है, साथ ही ये पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल और गेडे में भारतीय सीमा की भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो ये भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, इसको आप याद रख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।